ऑप्शन उस दिन तो आपको दिखाने थे ना अपनी क्लास अपनी जो है जो चेज करते हुए आपको एक प्रेशर होता है। बाबर आजम ना पड़ता है आपको डराते नहीं है, ये फकर जमान है ना ये डराता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने इन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को खेलना है वो मैच जीतने के लिए फखर जमान के रन चाहिए, जो इनके वर्ल्ड कप इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चार लगातार हार इनको मिली। उसके बाद इन्होंने जो है बांग्लादेश को हराकर विनिंग ट्रैक पर वापस आ गए, लेकिन एक चीज वही जो सबको लग रहा था कि भाई आज छोटी टोटल है शायद बाबर जो है नॉट आउट जाएंगे, थोड़े रन थोड़ा कॉन्फिडेंस और जो कुदरत का निजाम भी है वो भी आगे समझाएंगे आपको कि सेमीफाइनल इनके लिए क्या है क्या नहीं। जीते हैं ये बड़ा क्योंकि इन्होंने कई ओवर पहले मैच खत्म किया, विच मींस कि नेट रन रेट थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा, हालांकि अभी भी बहुत बड़ा फासला है, बट इनके हाथ में क्या था, इनके हाथ में चेस करना था, कितनी गेंदों में ओवर्स में इन्होंने एग्जैक्टली चेस किया, एग्जैक्ट अभी आपको पांच बॉलें बची थी 32.3 तो भाई कंसिडरेबली आपने अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर लिया ना, पॉजिटिव में तो चले गए होंगे। हाँ अब ये देखने कितना इनको इजाफा हुआ होगा पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि इनका था -0.3 श्रीलंका से ऊपर गए हैं। हाँ ये इनका उस वक्त था -0.3 था, -0.3 था, तो देखते हैं कि कहां तक ये पहुंचे, लेकिन अब वो फिर वही है, हो सकता है पाकिस्तान में ऐसी चर्चा शुरू हो जाए कि फकर को शुरू से खिलाते तो ये हो जाता वो हो जाता, बट फकर को एक मैच के बाद ड्रॉप किया था, फकर को इन्होंने बहुत ऐसा नहीं खिलाया फिट नहीं थे पहले प्रैक्टिस मैच में, कहा जी हम चाहते हैं उनकी फॉर्म आ जाए, पर वो बाहर बैठ के आए, दूसरे में आउट हो गए, फिर वो एक आधा मैच खेले, एक ही मैच खेले थे मेरे ख्याल से, पहला मैच चोट लग गई थी शायद, पहला मैच खेले फिर ड्रॉप हुए। और आपने देखो ऐसा भी नहीं है कि चांसेस, क्योंकि आपको याद होगा वो जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेली, फिर एशिया कप खेला, आपने सब में फखर जमान को चांसेस दिए थे, एक मैच था सुबह सुबह जब उनको बाहर बैठा रहे थे, बट उसमें इमामुल्लाह को, वो तो एशिया कप में बोल रहा हूं, एशिया कप की बात कर रहा हूं, तो इंडिया वाली गेम थी, हमारा ही गेम था, इंडिया वाली गेम थी, चांसेस आपने फखर जमान को दिए थे, बट आपके पास एक बड़ा मैच विनर जो है उसका नाम क्या है, फखर जमान ऑब्वियसली। एक चीज वैसे कंफर्म हो गई, क्योंकि अभी ये होता ना कि बाहर कोई हो नहीं रहा था, अंदर कोई जा नहीं रहा था, बट बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश कंफर्म हो चुका है कि भाई बांग्लादेश जो बाहर का सिलसिला, उनको बाहर का दरवाजा दिखा है वहां पर। जी धीरेज भाई, बट ये ना कि ये देखो एक चीज है, आई थिंक फखर जमान जैसे प्लेयर को बैठाना तो नहीं चाहिए, वो बीच में इंजरी वगैरह जो भी आई निकल कर आई, क्योंकि आपको पता है मेरा तो सीधा से मानना था कि जिस दिन इनका शेड्यूल बना था, जिस दिन इनका ये आया था निकल कर कि आपको बैंगलोर में खेलना ऑस्ट्रेलिया को, आपको पता है कि अच्छी विकेटों पर इस खिलाड़ी को तो बैक कर स्ट्रोक में कर चाहिए, ये था कि यार बाकी आप इमाम को खिला रहे थे, रस सुन के भी नहीं आए, बट अच्छी विकेटों पर अच्छे खिलाड़ी को आपको खिला रहे, बट तो 205 चेज कर रहा था पाकिस्तान 3 विकेटों के नुकसान पर, उन्होंने 32.3 ओवर्स में रन बनाए, जो हम चर्चा कर रहे थे कि 30-35 में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 68 है अब्दुल्ला के और 74 गेंद में 81 है फकर के। बड़ी खबर लेकिन यह है कि बाबर आजम ने आज भी ऑफ स्पिनर को अपना विकेट दिया है, 9 रन है 16 बॉलों में, तो मतलब एक तरफ से ये बिटर स्वीट है, हालांकि अगर बाबर से पूछो तो बाबर को अपनी बैटिंग का तो गिला होगा, बट कम से कम ये राहत होगी कि बच गए। फिर बाबर स्पिन पर आउट हुए, पर एक सवाल, अब देखो ऑफ स्पिनर हम हमेशा वही करते हैं, आप चाहे ऑफ हो लेग हो, क्योंकि रिस्ट स्पिन तो इनकी प्रॉब्लम है कि पकड़ नहीं पाते, हाथ से पढ़ नहीं पाते, जो लगता है देख के जिस तरीके के डिसमिसल रहे, बट अगेन ये चीज एस्टेब्लिश होते जा रही है, होते जा रही है कि भाई बाबर जब आए आप स्पिनर लगा दो, क्योंकि अगर आप बड़ा प्लेयर है उस ब्रैकेट का प्लेयर की बात करते हैं हम, देखते हैं स्क्रूटनी फिर होती रहती है, आप तो कमजोरियां ढूंढते हो कि कहां पर एक एरिया निकलेगा जहां पर शायद आप कर सकते हो, लेकिन ये जो खेल रहे हैं राहुल भाई फिर से स्पिनर, और आज शायद आज वो ईगो वाली चीज ज्यादा थी, क्योंकि फील्डर देखते हुए गए भाई छक्का मारूंगा, प्रोटीन मैंने अच्छा खासा लिया है, इमाम को बाहर बिठाया, उनके हिस्से का भी प्रोटीन खाकर आया हूं, और आज छक्का लगा दूंगा, प्रोटीन जैसे खा रहे थे अमेरिकन पिस्ताशियोज, आज इमाम वाले भी इनको मिले थे बाबर को, बट क्लियर नहीं हो पाए, टाइम नहीं हो पाए, पिच तक पहुंचे नहीं, और वो हाफ पर लगी, वहां पे खासियत है क्योंकि मेहंदी अच्छे छुपाए थे, मुझे याद है श्रेयस को भी पिछले बार उन्होंने स्पिन पे, यार देखो बात ठीक है मेहंदी, बट बात ये है कि आउट